दर्शाता है कि इन मेजर कॉरिडोर्स के अलावा और भी बहुत सारे हाईवेज हैं जो बिहार में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अगर आप देखें तो साउथ में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो मैंने बोला वाराणसी से कलकत्ता तक एक ग्रीनफील्ड रोड बन रहा है एक्सप्रेसवे, नॉर्थ में हमारा एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, और फिर साउथ से नॉर्थ आमस दरभंगा और बहुत सारे 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवेज हाईवेज हैं जो हमारी कनेक्टिविटी को फर्दर इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट, वन थिंग विच वी आर प्रोवाइडिंग इज द प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। विशेष रूप से जयपुर से अभी कुछ इन्वेस्टर आए हुए हैं जो मुख्यमंत्री जी के आने के पहले उन्होंने अपनी बात कही, ये टारगेटेड है टेक्सटाइल और लेदर गारमेंटिंग पर। हम लोग 24 लाख स्क्वायर फीट एरिया सरकार की ओर से बना रहे हैं, सरकार उसके लिए पैसा दे रही है, जो रेंट पे दिया जाएगा, बहुत ही रीजनेबल रेंट पे दिया जाएगा, सो द कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट विल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। यू जस्ट हैव टू ब्रिंग मशीन्स एंड स्टार्ट योर इंडस्ट्री, आपको बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम लोगों ने क्लस्टर अप्रोच ली है बिकॉज इन टेक्सटाइल लेदर और एनी अदर इंडस्ट्री देर हैज टू बी अ इकोसिस्टम, यू कांट डेवलप दिस इन अ आइसोलेटेड मैनर। सो वी आर टेकिंग दीज क्लस्टर्स ऑफ पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, चंपारण, पूर्णिया, भागलपुर, दीज आर द क्लस्टर्स वी आर डेवलपिंग एंड एज द चार्ट सजेस्ट डिफरेंट places we are constructing these industrial plug and play infrastructure which is already under construction and which will be ready from 4 to 6 months from now, ye rent ke liye available ho jayega. Next, coming to land leasing rates, jin logon ko shed nahi chahiye, industry ke liye land chahiye, unko aap what चलिए, तो इन्वेस्टर्स मीट की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां अधिकारी निवेशकों के सामने सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दे रहे थे। ये प्रेजेंटेशन और इसी तरह के अन्य प्रेजेंटेशंस भी होंगे जिससे निवेशकों में ये भरोसा जगाया जाएगा कि बिहार में उनके निवेश के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है और सरकार की ओर से तमाम तरह की सुविधाएं भी दी जा रही है।